डिफेंस में चला गया, कोई फॉरेन में बिजनेस कर रहा है, कोई प्रशासन में है, कोई लॉ में है और कोई राजनीति में शिखर पर है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। एनसीसी के अधिकारी और डॉक्टर आदर्श किशोर जी का आपने अतिथियों का स्वागत भी किया और शाम में इस सेमिनार की उपयोगिता को भी साबित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदर्श किशोर जी का। अब हम चलते हैं कार्यक्रम में। जो चेहरे, जो शख्सियतें हमारे सामने हैं, उन चेहरों ने कैसे ये मुकाम हासिल किया, अपने समाज के साथ अपने देश को जोड़कर इस राष्ट्र की मजबूती में कैसे आधार स्तंभ बनेंगे, उस संबंध में सबसे पहले जैसा कि वकालत का यह आयोजन समिति के सदस्यों का मेरे पास में फोन आया, कहा कि लॉ विषय पे आपको कुछ कैरियर गाइडेंस देनी है। हालांकि आज वर्किंग डे था, लेकिन इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं मेरे परिवार के बीच में वापस 13 साल बाद है और इस बात पर मुझे गर्व है। आयोजन मंडल की तरफ से यह आदेश आया है कि लॉ फील्ड में कैरियर गाइडेंस पे मुझे आपका मार्गदर्शन करना है। जहाँ तक लॉ फील्ड की बात करें, देर वॉज अ टाइम लोगों के बीच में एक ये अवधारणा थी, एक परसेप्शन था कि ग्रेजुएशन करने के बाद में यदि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, उसको लॉ में एडमिशन ले लेना चाहिए।